सो हे गाइस, वेलकम अगेन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 कॉमन एक्सप्रेशंस जो आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही छोटे फ्रेजेस हैं जो आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज गुड फॉर यू। गुड फॉर यू मीन्स आपके लिए अच्छा है। जस्ट सपोज कि आपका एक फ्रेंड है, उसने बोला कि आई गॉट अ जॉब। हे आई गॉट अ जॉब, कि मुझे एक जॉब मिल गई है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ओह दैट्स ग्रेट, गुड फॉर यू, कि आपके लिए अच्छा है। सो उसने बोला आई गॉट माई सैलरी, सो आप क्या बोल सकते हैं? गुड फॉर यू। आई गॉट एन आईफोन, गुड फॉर यू, दैट्स ग्रेट। सो इन सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं? गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। बट मेक श्योर जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, सो आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। आप सैड होकर नहीं बोल सकते गुड फॉर यू, आपको एक्सप्रेशन भी उतना ही अच्छा देना होगा कि हे दैट्स ग्रेट, गुड फॉर यू, राइट। सेकंड वन इज कीप मी पोस्टेड। कीप मी पोस्टेड व्हाट, इसका मतलब होता है लेट मी अपडेट, मतलब मुझे अपडेट करते रहिए। एग्जांपल है एनीवे कीप मी पोस्टेड ऑन व्हाटएवर हैपेंस हियर, कि जस्ट सपोज कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं और आपका फ्रेंड हॉस्पिटल में है और आप वहां से जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं कीप मी पोस्टेड। कीप मी पोस्टेड मतलब मुझे अपडेट करते रहिए, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो मुझे आप बताते रहिए। कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड जैक, कीप मी पोस्टेड, राइट। लेट मी अपडेट या आप बोलेंगे कीप मी पोस्टेड। इफ पॉसिबल प्लीज कीप मी पोस्टेड, अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे प्लीज अपडेट करते रहिए। सेकेंड थिंग इज ऑफिशियली यूज होता है लेट मी नो, मतलब मुझे बताना, राइट। और अगर आपको बोलना है मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे आई विल लेट यू नो। और लेट मी नो को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है LMK, लेट मी नो, राइट। और मैं आपको बताऊंगा, आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट वन इज स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मीन्स होता है थिंक अबाउट इट, मतलब सोचना पड़ेगा। जैसे सपोज कि अगर आपको किसी भी आइडिया पे विचार करना है, कंसिडर करना है, सोचना है, तो आप बोल सकते हैं स्लीप ऑन इट, आई विल स्लीप ऑन इट, मतलब मैं इस पर विचार करूंगा। एग्जाम्पल है डोंट डिसाइड समथिंग राइट अवे, स्लीप ऑन इट, अभी कुछ भी डिसाइड मत करो, स्लीप ऑन इट, मतलब इस पर सोचो, विचार करो, राइट। सेकेंड इज आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन इट एंड नॉट मेक एनी रश डिसीजंस, कि मैं इस पे थोड़ा विचार करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, और कोई भी डिसीजन अभी रश में, मतलब जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता, राइट। सो स्लीप ऑन इट मतलब किसी भी चीज़ पे, अगर आइडिया पे अगर आपको सोचना है तो आप बोलेंगे स्लीप ऑन इट। गॉट प्रॉब्लम्स मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्लीप ऑन इट, मतलब उस पर विचार कीजिए, सोचिए, राइट। नेक्स्ट वन इज लेट इट गो। लेट इट गो मीन्स होता है बैड सिचुएशंस, अगर आप बैड सिचुएशंस में हैं तो आप बोल सकते हैं लेट इट गो। फीलिंग सैड और बैड, कि अगर आप सैड फीलिंग में हैं, बैड फीलिंग में हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट इट गो। एग्जांपल है जस्ट लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने अगर अपनी जॉब छोड़ दी या उसको जॉब से निकाल दिया गया और वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं जस्ट लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड, कि इसको छोड़ो और मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर बढ़ो। सेकंड एग्जांपल है आई थिंक इट वुड बी बेस्ट इफ वी लेट इट गो, कि मुझे लगता है यह अच्छा होगा, इट वुड बी बेस्ट, ये बहुत अच्छा होगा इफ वी लेट इट गो, अगर हम इसको छोड़ दें, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टेक इट इजी, आराम से, रिलैक्स, काम डाउन, एंजॉय योरसेल्फ, बी रिलैक्स, डोंट बी अंडर स्ट्रेस्ड। तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो बेसिकली इसका मीन क्या है, टेक इट इजी मतलब आराम से। अगर आपका छोटा भाई टेबल साफ कर रहा है और टेबल पे एक गिलास पानी है और सडनली वह पानी का गिलास गिर गया, तो आप क्या बोलेंगे? हे टेक इट इजी, मतलब आराम से करो या आराम से। जस्ट टेक इट इजी एंड हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, सो आराम से रहो एंड हैव अ गुड टाइम, मतलब एक अच्छा समय बिताओ अपनी फैमिली के साथ, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ऑल इज वेल। बहुत ही फेमस डायलॉग है, बहुत ही फेमस फ्रेज है, इसका मतलब होता है सब ठीक है, राइट। इफ ऑल इज वेल आफ्टर 6 months द चार्जेस विल बी डिसमिस्ड, राइट। अगर अगले 6 महीने तक सब कुछ ठीक रहा तो जो चार्जेस हैं वो डिसमिस हो जाएंगे, राइट। तो किसी भी कंडीशन के लिए अप्लाई हो सकता है, जैसे किसी ने आपसे कहा ही हाउ इज एवरीथिंग, सो लड़की ने कहा, शी ने कहा, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे ऑल इज वेल, राइट, ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेवर से नेवर।
बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है। जस्ट सपोज़ आपका एक फ्रेंड है बहुत ज़्यादा मनहूस, अपने आप को समझता है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, तो वो क्या करता है, नेवर गोना पास द एग्ज़ाम, नेवर गोना गेट दिस जॉब, नेवर गोना गेट अ गुड लाइफ, नेवर नेवर नेवर। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता है और अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझता है कि मैं कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा, नेवर गोना गेट दी जॉब, मैं कभी जॉब नहीं लेने वाला हूँ, मैं कभी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने वाला हूँ। वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, राइट। सो आप उसको बोलेंगे नेवर से नेवर, तो ऐसा कभी भी मत सोचो या ऐसा कभी भी मत बोलो। गुड थिंग्स कैन हैपन, कि अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उसको बताओ वट एवर यू हैव थिंक अबाउट दैट थिंग्स। अगर आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे हैं बट लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस लायक हैं, तो आप इस चीज़ को भी देखिए, राइट। सो नेवर से नेवर। नेक्स्ट वन इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट। कंप्लेनिंग मैनी थिंग्स उससे ही रिगार्डिंग है, जैसे कि कंप्लेनिंग मैनी थिंग्स मतलब अगर कोई अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता है, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी जॉब के लिए, मतलब सब के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता है, समथिंग लाइक आई लेफ्ट माई जॉब, आपके फ्रेंड ने बोला कि आई लेफ्ट माई जॉब, आई ब्रोक अप विद हिम और हर, राइट, आई लॉस्ट माई फोन, आई एम अनलकी, राइट। तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको बोलेंगे काउंट्स योर ब्लेसिंग्स, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स मीन्स क्या होता है कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको देखो, राइट। सो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो जो आपके पास है उसकी ओर देखो, अपने से छोटे लोगों को देखो जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह होना चाहते हैं। सो इट मीन्स कि काउंट्स योर ब्लेसिंग्स, कि अपनी अच्छी चीज़ों को देखो जो आपकी लाइफ में है, कि अगर आपके सर पर एक छत है तो भी आप बहुत ही खुशनसीब हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें देखिए जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो आपके पास नहीं है, राइट। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स इन द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज नो बिग डील, ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके और नो प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है जैसे कि आपने बोला आई फॉरगॉट अ गिफ्ट फॉर यू, आप अपने दोस्त के बर्थडे में गए हैं और आपने बोल दिया आई फॉरगॉट अ गिफ्ट फॉर यू, कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाना भूल गया। सो उसने क्या कहा कि नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, या इट्स ओके नो प्रॉब्लम, राइट। आई वाज जस्ट अबाउट टू टेल रीबाउंड दैट दिस इज नो बिग डील। सो एक और वर्ड है यहाँ पे डील, जैसे कि आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको पार्टी दूंगा, राइट। सो आप क्या बोलेंगे उसको, डील, राइट। सो अगर आप बोलेंगे डील, इट मींस कि डन, ये डील हुई, ये डन हुआ। नेक्स्ट आता है नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील मतलब क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। जैसे आपके फ्रेंड ने कुछ अचीव कर लिया है तो आपका दूसरा फ्रेंड बोलता है नॉट अ बिग डील, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ये करना, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। द नेक्स्ट वन इज स्टे इन टच, स्टे इन टच मीन्स होता है साथ में रहना, स्टे रहना, इन टच साथ में, इसका मतलब होता है कीप इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहना। गौरव एंड आई कीप इन टच, मतलब गौरव और मैं कीप इन टच मतलब साथ में रहते हैं या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज अ मदर इन दिल्ली Whom she keeps in touch regularly, कि उसकी एक मॉम है, उसकी मम्मी जो दिल्ली में रहती है और वह लड़की अपनी मॉम के साथ रेगुलरली टच में रहती है या उनके कॉन्टैक्ट में रहती है, राइट। स्टे सेफ एंड स्टे इन टच, राइट, सुरक्षित रहिए और टच में रहिए, मतलब कॉन्टैक्ट में रहिए। सो कीप इन कॉन्टैक्ट, राइट, इट डजंट मीन कि फिजिकली इन टच, इट मीन्स कि बेसिकली यू आर इन कॉन्टैक्ट विद समवन, राइट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, सो स्टे इन टच विद शावर ऑफ इंग्लिश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। तो कैसे हैं आप लोग, थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। हाय देयर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेयर वर्ड्स के बारे में, होटल से रिलेटेड सारी जानकारियां जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी होटल में जाते हैं।